हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भावना और आज आपके लिए इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक ऐसा फेस पैक जो ना ही आपको सिर्फ यंग लगने में हेल्प करेगा, बल्कि अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं तो उनको भी काफ़ी हद तक ये रिमूव करेगा, आपको इवन टोन देगा और आपके स्किन कलर को भी लाइटन करेगा। और इस फेस पैक के लिए आपको सिर्फ दो इंग्रीडियंट्स चाहिए। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर उन्हें वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए ग्रीन टी। आप कोई भी ग्रीन टी ले सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो। मैं यहाँ पर लिप्टन की लूज़ ग्रीन टी ले रही हूँ और एक क्रशर में उसको डाल रही हूँ, क्योंकि इसकी लीव्स जो हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। सो इसको पहले मैं क्रश कर लूँगी अच्छी तरह से। सो क्रश करने के बाद ये कुछ ऐसी दिखेगी। उसके बाद एक बाउल में मैं इसको निकाल लूँगी और उसमें एक स्पून कर्ड डालूँगी, मतलब दही। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसमें कर्ड मिक्स कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें फ्रेश क्रीम या मलाई यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक पेस्ट बना लीजिए और बस आपका ये फेस पैक तैयार है। आपको इसके अपनी क्लीन फेस पे लगाना है और ये बहुत ही मुश्किल से थोड़ा लगता है, तो आप ब्रश की हेल्प से आप इसको लगा सकते हैं, वरना आप इसको डैबिंग मोशन में लगाइए ताकि ये इवनली आपके फेस पे स्प्रेड हो सके। मेरी स्किन ऑयली है इसलिए मैंने कर्ड यूज़ किया है। ग्रीन टी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो आपके एंटी एजिंग के साइन से फाइट्स करते हैं, आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करते हैं, आपको सन डैमेज से बचाते हैं, आपके एक्ने और पिंपल्स को भी ट्रीट करते हैं, और अगर आपके फेस पे लार्ज ओपन पोर्स हैं तो उनको भी ये श्रिंक करता है, ओपन पोर्स को क्लोज करता है, और आपकी अगर पफ़ी आइज़ हैं, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा हद तक हेल्प करता है, आपके डार्क सर्कल्स को रिमूव करता है, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और बहुत ही अच्छे टोनर की तरह भी आपके स्किन में ये हेल्प करता है। सो ग्रीन टी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप इसको पीने के साथ साथ आप इसको अपने स्किन केयर में भी इंक्लूड करिए, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप इस फेस पैक को वीक में दो बार लगा सकते हैं, और दो बार अगर नहीं लगा पाते तो कम से कम एक बार तो ज़रूर लगाइए। अच्छी तरह से फेस पैक लगाने के बाद आप इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए, और जब ड्राई हो जाए तो आप इसको स्क्रबिंग मोशन में स्क्रब करते हुए अपना फेस फ्रेश वाटर से वॉश कर लीजिए। और अगर आपके फेस पर पिंपल्स वगैरह हैं तो आप स्क्रबिंग थोड़ी अवॉइड करिए। और जब आप फेस वॉश कर लें तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप विटामिन ई के कैप्सूल ले लीजिए, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। आप उसको अपने मॉइस्चराइजर में मिक्स करके लगा सकते हैं, डायरेक्टली उसका ऑयल निकाल के अपने फेस पर अच्छी तरह से मसाज कर सकते हैं। ये एंटी एजिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, और उसके बाद लगाने के बाद सो जाइए। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।